भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर मैथिल ओझा समाज ने आज शहर में ढोल धमाकों और डीजे की धुनों पर निकाला भव्य चल समारोह। भारतीय मजदूर संघ ने भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के आनुषांगिक संगठनों के साथ मिलकर मनाया राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में पंचायत से जुड़े हुए कई मुद्दों पर हुई चर्चा और किए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पर्यूषण पर्व के अवसर पर श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन बाजार मंदिर पर संपन्न हुए प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान समारोह और गायन प्रतियोगिता स्वर विजेता सौमिल जैन और श्रीमती राखी जैन ने मारी स्वर विजेता में बाजी। साक्षी मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर गुना में किया मुखर प्रदर्शन। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भड़के मेडिकल के छात्र छात्रा, कॉलेज प्रबंधन पर लगाया सुनवाई ना करने का आरोप, आज जिले के आला अधिकारियों को सुनाया अपना दुखड़ा। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगरपालिका अमले पर हमले के विरोध में शिकायत दर्ज कराने गए कर्मियों से कैंट पुलिस अधिकारी द्वारा अभद्रता करने के आरोप को लेकर आज नगरपालिका कर्मियों ने दिया ज्ञापन। केन पुलिस ने 29 वर्षीय एक स्थायी वारंटी को पकड़ने में पाई सफलता, गिरफ्तार कर भेजा जेल। लहरकोटा में युवक भूरा रघुवंशी की हत्या के मामले में म्याना थाने द्वारा कार्रवाई न करने के विरोध में आज हनुमान चौराहे पर लहरकोटा के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम और किया प्रदर्शन। जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन। वार्ड क्रमांक 19 में गणेशोत्सव के दौरान चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत बाहर से आए कलाकारों ने किया शानदार प्रदर्शन। श्री बाल गणेश झांकी समिति द्वारा लगाई गई झांकी को हजारों लोगों ने निहारा। भाजपा किसान मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वार्ड क्रमांक 7 में लवकुश मंदिर के पास किया गया वृक्षारोपण। इस मौके पर बड़, आम और अन्य छायादार वृक्ष लगाकर उन्हें सहेजने का भी लिया संकल्प। अटल जी की याद में भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा रखे गए अलग अलग जगह काव्यांजलि के कार्यक्रम। गुना में विष्णु साथी हरकांत अर्पित प्रेम सिंह प्रेम अरुण चतुर्वेदी ने अटल जी की लिखी कविताओं को सुनाकर किया उन्हें याद। कुछ दिनों पहले हुई ट्रैक्टर की डकैती के दो आरोपियों को म्याना पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही में दोनों ट्रैक्टर को किया बरामद।